और पश्चिम बंगाल में अगले साल विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी के बीच सियासी जंग अपने पूरे चरम पर है। दोनों ही पार्टियां वोटर्स को लुभाने का कोई मौका नहीं गंवाना चाहती। हालत यह है कि जिस बोलपुर का केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हाल ही में दौरा किया था, आज वहीं ममता बनर्जी एक महारैली और रोड शो करने जा रही हैं। इस बार 200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने जा रही है। अब बंगाल में 200 के पार का नारा केंद्रीय गृह मंत्री और बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष अमित शाह का है और इसी लक्ष्य के साथ आगे बढ़ रही बीजेपी पश्चिम बंगाल के चुनाव में ममता को परास्त करने का दम भर रही है। ममता के गढ़ में बीजेपी ने अपनी पूरी ताकत के साथ हुंकार ही नहीं भरी है बल्कि उनकी पार्टी में जबरदस्त सेंधमारी भी की है। आप कहते थे बीजेपी का खाता नहीं खुलेगा, 18 से ज्यादा सीटें बंगाल की जनता ने दी है। और दीदी कान खोल कर सुन लो, आज लाखों लोगों की हाजिरी में कहने आया हूं मैं, जब विधानसभा के चुनाव का परिणाम आए परिणाम देख लेना। और यही वजह है कि ममता बनर्जी भी बीजेपी को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रही। ममता बनर्जी बीजेपी के हर दांव को नाकाम करने में जुटी हुई है। यही वजह है कि 20 दिसंबर को जिस बोलपुर में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रोड शो किया था जिसमें जनसैलाब उमड़ा था, उसके जवाब में अब ममता भी उसी जगह रोड शो करने जा रही हैं। शाह को जवाब देने के लिए ममता इस रोड शो के जरिए अपना शक्ति प्रदर्शन करेंगी। उनके रोड शो को सफल बनाने के लिए तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ता जी जान से जुटे हुए हैं। उधर राजनीतिक सूत्रों की माने तो केंद्रीय गृह मंत्री अगले महीने एक बार फिर बंगाल के दौरे पर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि इस दौरान 12 जनवरी को हावड़ा में उनके सभा करने का प्रस्तावित कार्यक्रम है, जबकि इस सभा के दौरान कई तृणमूल नेताओं के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें भी हैं। गौर करने की बात है कि पश्चिम बंगाल में अगले साल अप्रैल मई में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले यहाँ सियासी घमासान उफान पर है। इस बार के चुनाव में मुख्य मुकाबला तृणमूल और बीजेपी के बीच ही माना जा रहा है। दोनों पार्टियां वोटर को अपने पाले में करने के लिए हर सियासी टोटके आजमा रही हैं। टीम न्यूज़ नेशन।